हाय फ्रेंड्स, आई एम यतेंद्र कुमार, BIS क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अधिगम स्थानांतरण के अध्ययन करेंगे। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है सकारात्मक, इस स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखने में सहायक होता है, उसे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि पहली स्थिति में जो सीखा हुआ ज्ञान है वह दूसरी स्थिति में भी काम आता है, या दूसरी स्थिति में परिस्थिति में भी सीखने में सहायक जो होता है वह सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है। जैसे हमने स्कूटर चलाना सीखा तो हम मोटरसाइकिल भी आसानी से चला सकते हैं। दूसरा है नकारात्मक, बाधक या सहायक नहीं, इसे ऋणात्मक या प्रतिकूल अधिगम स्थानांतरण भी कहते हैं। जैसे उदाहरण, हमको हिंदी आती है, हम हिंदी के बारे में अच्छा जानते हैं लेकिन हम अंग्रेजी में नहीं जानते, तो ये हमारा ना तो बाधक होगा ना ही सहायक होगा। ऐसे ही इतिहास है, हम इतिहास के बारे में भी अच्छा जानते हैं लेकिन गणित विषय में हम कमज़ोर हैं, तो ये दोनों क्या होगे, ना तो हम इसमें ये हमारे लिए बाधक होगा और ना ही सहायक होगा। नेक्स्ट जो है वो है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, यानी समान स्तर के अन्य अधिगम में सहायक। जैसे 10th में हमने चित्रकला सीखी या चित्रकला विषय से संबंधित हमको ज्ञान हुआ या चित्रकला से संबंधित हमने अच्छी नॉलेज है, तो हम रेखा गणित को भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर या लंबी स्थानांतरण। जैसे हमने 8th क्लास में कंप्यूटर सीखा तो वह 9th क्लास में कंप्यूटर सीखने में भी सहायक होगा, तो यह ऊर्ध्वाधर होगा, यानी कि ऊपर की ओर अग्रसर होता हुआ। नेक्स्ट एक पार्श्वीय स्थानांतरण, यानी आपके शरीर के द्वारा सीखी गई कोई क्रिया उसी के संबंध में काम आती है तो वह एक पार्श्वीय होती है। यानी कि हमारे शरीर के कोई भी क्रिया सीखी है तो वह उसी में ही काम आएगी या उसी से संबंधित किसी काम में आएगी। जैसे जूडो कराटे, हमने जूडो कराटे सीखे हैं तो सिर्फ हम जूडो कराटे में ही इसको काम में ले सकते हैं। द्विपार्श्व स्थानांतरण, द्विपार्श्व स्थानांतरण शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखा गया कार्य दूसरे अंग द्वारा उसी कार्य को सीखने में सहायता करता है। यानी कि हमने कोई कार्य सीखा तो वह दूसरे कार्य को सीखने में भी सहायक होगा, तो वह क्या होगा, द्विपार्श्वीय स्थानांतरण होगा। नेक्स्ट है शून्य स्थानांतरण, न तो सहायक होता है और ना ही बाधक होता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन की कविताएं और मैथिली शरण की कविताएं, या हमने हरिवंश राय बच्चन की कविता पढ़ी और मैथिली शरण की कविता पढ़ी, तो ना तो ये दोनों आपस में सहायक होंगी और ना ही क्या है, दोनों बाधक है। और जैसे हमने बैटिंग सीखी है तो हमारे लिए ना तो ये बॉलिंग के लिए बाधक है। अधिगम स्थानांतरण की विभिन्न परिस्थितियां यह सीखने वाले की इच्छा पर